कि मैं कैसे कैसे गया था वृंदावन में, क्या क्या था, तो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं गया था और गुरु प्रेमानंद जी से भी बहुत सारे मिलने चाहते हैं, उनके आश्रम में जाना था। आश्रम में फिर मैंने सोच के रखा, पता क्या होता है, 9 बजे क्वेश्चन आंसर लिखते हैं ना, जो उनको पूछना था वो पहले लिख के भेजते हैं उनको। और फिर शनिदेव जी, मैं सुबह भी आया था इधर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो सुबह का टाइम हो रहा है, 9:30 बज रहे हैं। आज मैं जा रहा हूँ दुकान पे, तो बहुत दिनों के बाद जा रहा हूँ मैं भी दुकान पे, और मैं दोपहर तक रहूँगा क्योंकि डैडी आ जाएंगे दोपहर को लंच लेके। तो मिलो मोजर के साथ। मोजर गोल गोल घूमता है, तो बस जल्दी जल्दी जाना है मुझे। जोगिंदर का वेट कर रहा हूँ, बहुत टाइम लगा रहे हैं। अच्छा, वाटर कूलर भी है। तो यही था, और लास्ट व्लॉग में मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊँगा कि मेरा वो जो ये ट्रिप थी वृंदावन का टूर था, वो कैसा कैसा रहा, कैसे कैसे मैं गया, कहाँ रूम मिला, ये वो सब। अगर आप जाना चाहते हो ना, मतलब इस टाइम पे मत जाओ, ये बता देता हूँ मैं, मतलब जन्माष्टमी के बाद जाओ, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा। मुझे तो दर्शन, हमें तो सबको अच्छे से दर्शन हो गए, बट बहुत भीड़ थी, जैसे सफोकेशन टाइप हो जाती है ना कुछ, तो सांस की लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, इतनी भीड़ थी। तो आ गया हमारा जोगिंदर प्रसाद, तो चलते हैं दुकान पे। गाइस, मैं आया था अभी शनिदेव जी के मंदिर, ये देखो, दर्शन कर लो शनिदेव जी के, आज शनिवार है, बट आपको व्लॉग दिखेगा ये संडे को। तो मैं जा रहा हूँ अभी दुकान पे। राधे राधे। बस ठीक है, बताओ। हाँ, तो चलते हैं गाइस घर पे नहीं, दुकान पे। सो गाइस, ये देखो मैं आया हूँ दुकान पे, और बार बारिश देखो यार। मैं गया था उधर वृंदावन में, गया था ना मैं, तो वहाँ तो इतनी ज़्यादा धूप थी आपने देखा, और यहाँ रोज़ बारिश पड़ती थी, बहुत ज़्यादा। तो देखो आज भी बारिश पड़ रही है। तो मैं आपको कह रहा था लास्ट व्लॉग में कि मैं कैसे कैसे गया था वृंदावन में, क्या क्या था, तो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं गया था सीधा, पहले हम गए थे सीधा मथुरा, मतलब हमें पता नहीं था, ऐसे जम्मू टू मथुरा जाना हो ना तो टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम, ट्रेन ज़्यादा टाइम लगाती है। और ऐसे पहले हम दिल्ली गए, फिर दिल्ली से मथुरा, कोई 5-6 घंटे का फ़र्क पड़ा, तो उसके बाद हमें टाइम लगा रूम ढूंढने में। अगर आप आओ तो रूम पहले ही बुक करवा लिया करो, मतलब तो ठीक रहता है, बेस्ट रहता है, नहीं तो बाद में ऐसे धूप में इधर उधर भटकना, तो इससे अच्छा कि रूम पहले ही बुक करवा देना। और साथ में कोशिश करना कभी भी सैटरडे और संडे को मत आना, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा रश, सारे होटल्स वगैरह, धर्मशाला वगैरह सब फुल हो गए थे, फुल। और हमें फिर और कोशिश करना, मतलब पता क्या, मथुरा में हमने रूम लिया था वृंदावन में, और आप भी वृंदावन में ही रूम लिया करो, प्रेम मंदिर के आसपास कहीं रूम मिल जाए तो बेस्ट है, प्रेम मंदिर के पास मिल जाए तो फिर उस वहाँ मिल जाए तो बेस्ट है, क्योंकि वहाँ से सब पास में पड़ता है, और एक जगह ही दूर है, मतलब 3 जगहें दूर हैं, एक बरसाना, नंदगांव, और वो है जो क्या कहते हैं उसको, गोवर्धन पर्वत, ये 3 जगह दूर है। बरसाना कोई आई थिंक 45 किलोमीटर, इतना ही था, 40-45 किलोमीटर, बट टाइम का पता नहीं चलता कि कब पहुंच गए, है तो दूर है, तो ये सब ध्यान रखना। और गुरु प्रेमानंद जी से भी बहुत सारे मिलने चाहते हैं, मतलब मैं भी बहुत देर से सोच, मैं उनकी वीडियो देखता था, मतलब वृंदावन में जाना है, जाना, उनसे ज़रूर मिलना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। फिर मैं 3 दिन मिला, पहले दिन तो मैं मिला ऐसे सिंपल, दूसरे दिन 2 बार मिला मैं, और तीसरे दिन बात भी हो गई। तो मैंने सोचा था अगर बात नहीं होती ना तो उनके आश्रम में जाना था। आश्रम में फिर मैंने सोच के रखा, पता क्या होता है, 9 बजे क्वेश्चन आंसर लिखते हैं ना, जो उनको पूछना था वो पहले लिख के भेजते हैं उनको, और फिर 2 बजे पर्ची वगैरह मिलती है, और फिर रात को अगले दिन सत्संग, मतलब वो जो कथा होती है ना, उस टाइम पे सत्संग के टाइम पे उनके दर्शन हो जाते हैं, और काफ़ी कम लोगों को चांस मिलता है उनके दर्शन करने का, तो वो जिनका लक होता है उनको मिलता है। तो मैंने सोचा था, फिर हम 6 डे वापस आए, मगर फिर जब बात हो गई सुबह सुबह, मतलब उनकी आवाज़ सुन ली हमने, हमारे साथ ही बात कर रहे थे, हम 3-4-5 बंदे थे, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, जो एक्सीडेंट हुआ था, फिर हमने बताया कि ये हुआ, फिर तब हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, मतलब जो भी थे हम, हमारे साथ सारे खुश हो गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ बात हो ही गई है, और दिन भी इतने हो गए हैं इधर आए हुए, तो घर पर चलते हैं। घर पर आने का मन तो नहीं था, मगर आना तो था ही, क्या करते हैं, अब फिर जब भी जाएंगे ना, हम 2 या 3 दिन के लिए जाएंगे, तो
तो हमें अब पता चल गया कि कहाँ कहाँ क्या क्या है, तो अब नेक्स्ट टाइम बहुत आसानी होगी। तो ये व्लॉग मैंने आपके लिए बनाया कि आपको भी परेशानी ना हो और आपको भी आसानी हो। अगर कुछ ऐसे पूछना होगा तो मुझे पूछ लेना कि कैसे कैसे क्या क्या सब था, तो किराया वगैरह वो सब मुझे पूछ लेना अगर किसी को जाना होगा। और अभी मैं सोच रहा था कि खाटू श्याम या मचेल माता जाऊँ, तो वो मैं कोई एक दो हफ्ते तक जाऊँगा। अगर किसी को मेरे साथ जाना होगा तो बता देना। तो राधे राधे। फिलहाल तो मैं दुकान पे हूँ, मुझे यही बताना था आपको, ये मैं सोच के रखा था क्योंकि मुझे परेशानी हुई जाने में, तो कहीं आपको भी ना हो जो पहली बार जा रहे हो। पहली बार जो जाते हैं, मतलब दूसरी बार जाते हैं ना, उसको पता चल जाता है मैक्सिमम। तो हमें तो एक वो भी मिल गई थी लड़की उधर, उससे उसने बहुत सारी हेल्प की हमारी, बहुत हेल्प की उसने। क्यों मतलब हमें वो मिली थी जन्मभूमि में। हाँ, वो तो उसके पास ही है ना, उसके वो जो फ्लैट था उसके पास ही था, तो वो रोज़ आती थी जन्मभूमि में। हमें पता नहीं चला था, उसने बताया, तो फिर हमें वो मोटिवेट करते गए, बताते गए बताते गए, तो हमारे जैसे ही हमारे साथ ही वो फिर मतलब दोस्त बन गई। तो उसने घुमाया हमें, बताते गए, मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज था उसको। तो फिलहाल तो आपको पता चल गया होगा कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो जो जाना सोच रहे हैं वो जन्माष्टमी के बाद जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है इस वक्त। मतलब जाना भी हो ना, जो ऐसे लड़के मेरे हमारे मतलब हमारी जितनी एज के लड़के हैं, वो जाना, लड़कों को जाना तो वो जा सकते हैं आराम से, रश में क्या ही थोड़ा बहुत वो तो हैंडल कर लेंगे। बट लेडीज़ और छोटे छोटे बच्चे लड़कियां, उनको भी जाना होगा ना, तो जन्माष्टमी के बाद जाना मेरे ख्याल से। तो यही था सब कुछ, 6 दिन में आए हम वापस। तो राधे राधे। हम चेंज आ जाती है यार बंदे में, जाके देखना आप। तो फिलहाल मैं दुकान पे हूँ इधर, बारिश पड़ रही है बाहर। जब डैडी आएंगे तो मैं आज शाम को जिम में भी जाऊँगा, आज सैटरडे या कल जिम में छुट्टी होगी, तो कोशिश करूँगा जाने की। तो राधे राधे, मिलता हूँ मैं अभी नेक्स्ट क्लिप में, कोई अच्छी सी क्लिप में अच्छा सा कुछ दिखाने वाला होगा तो मिलता हूँ। तो स्किप मत करना व्लॉग, डबल टैप बहुत सारे करते हैं, बट जो अपने होते हैं ना, मतलब जो मेरे साथ ज़्यादा टाइम रहते हैं, वो ही स्किप करके देखते हैं। मैंने हिसाब लगाया, उनको मेरी ये जो बातें बोलते हैं कि बातें कम करा कर, दिखाया ज़्यादा कर, दिखाऊँ क्या बातें तो करता हूँ पता नहीं क्या क्या। तो यार मुझे पता है किसी के लिए तो ये मेरी जो 5 मिनट कुछ सेकंड की वीडियो है, जो लास्ट वाली क्लिप है, ये किसी के लिए बहुत ज़रूरी होगी, इम्पोर्टेंट, और किसी के लिए बक बक। तो यार मुझे बताना था, बता दिया। अब इतनी लंबी लंबी बातें मैं करूँगा नहीं, चाहता तो यही हूँ कि मैं कुछ ज़्यादा दिखाऊँ, बातों से ज़्यादा दिखाया करूँ। जब दिखाने के लिए नहीं होता तो बातें सुनाता हूँ। तो ये ज़रूरी थी वैसे। देखो फिर से बारिश पड़ने लगी। राधे राधे। हाँ अच्छा लग रहा है ये। बहुत अच्छा लग रहा है। और देख लो ये वाला ट्राई करो। हाँ ये वाला ट्राई करो, चाहे ये वाला। हाँ ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा था। आपकी दुकान में ना सामान बहुत बढ़िया सामान है यार। हाँ वो तो है, सही लग रहा है। तो गाइस कमेंट में बताना अंकल जी को चश्मा कैसे लग रहा है ये, तो आप कमेंट पढ़ लेना व्लॉग में। जोगिंदर कैसा लग रहा है? अच्छा है वो, देख लो, इसको पूछ लो, वो भी बोल रहा है अच्छा लग रहा है। ऐसे देख लो फ्रंट कैमरे में, चाहे कैसे देख लो, ये देख अच्छा है ना। बहुत अच्छा, बहुत पसंद आया। कर दो पैक फिर। हेलो गाइस, तो मैं आ गया हूँ घर पे। तो आज मेरे गले में पता नहीं क्या है, मतलब दर्द भी नहीं है, सूखा सूखा से खराश टाइप हो गई है। तो बस देखो घर पे आ गया हूँ, अभी शाम को जिम में जाना है कोई 2 घंटे बाद। तो फिलहाल तो मुझे कोई काम नहीं है। आज नीचे आंखें ठीक हो गई सबकी? हाँ जी क्यों क्यों तोड़ रहा था? रात को तोड़ता है? नहीं ठीक है, आ जाओ। तो शाम के बज गए हैं 6, मैं जा रहा हूँ अभी जिम। आज मैं बैग लेके नहीं जाऊँगा, आज मैं थोड़ी बहुत ऐसे मिक्स एक्सरसाइज करूँगा, क्योंकि आज मेरा गला सेट नहीं है, मतलब खुद ही मुझे ऐसे नहीं लग रहा है, मतलब मेरी सेहत नहीं है ठीक। तो
गले में दर्द नहीं है, बस सूखा सूखा हो गया अंदर से, पता नहीं कैसे। तो हमें एक रील भी बनानी थी, मुझे टिंको और ललित को, मतलब एक रील बनानी थी, वो आधी बना दी, आधी बनानी है तो वो भी बनानी है। वो ललित बोला था कब आना है बनाने के लिए, तो बस वहीं जा रहा हूँ, वहाँ से फिर मैं जिम चला जाऊँगा, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करूँगा, दिखा दूँगा आपको। चलते हैं जल्दी जल्दी, राधे राधे। मैं आ गया था जिम में, अब मुझे जाना है शनिदेव के मंदिर। मैं टिंको और ललित जाएंगे तीनों, बस वो आ रहे हैं, उनका वेट कर रहा हूँ, उसके बाद जिम स्टार्ट करूँगा। तो वो सुनी का वेट कर रहा हूँ। राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। चला क्यों शनिदेव जी, मैं सुबह भी आया था इधर, सुबह इधर सुनील बैठा था पुजारी, तो उसने प्रसाद दिया, तो अभी फिर से जा रहा हूँ मैं। शनिदेव ने दो बार बुलाया था। है ना ललित, स्माइल। गाइस टिंकू को देखो प्रैक्टिस कर रहा है। 21 को इसकी ट्राई है, 21 को इसकी ट्राई है, मतलब पारा बहुत है। लार मुंड बच्चे था इसका। वाओ वाओ ये तो गाइस ये देखो व्यू, देखो यार व्यू कितना सही है, व्यू ये देखो गाइस। चल 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 रख। तो गाइस देखो कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं आर्मी के लिए। मैं भी एक टाइम पे प्रैक्टिस करता था जब मेरी आर्मी की जितनी एज नहीं थी, अब एज हो गई है, अब शौक ही नहीं है, मतलब रनिंग का शौक है बट टाइम नहीं लगता है, कोई फॉर्म भी नहीं है साथ में। तो ये देखो ये ना मतलब काफ़ी महीनों से ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेम ये पक्का सेलेक्ट होगा। तो गाइस मैं भी पहुँच गया हूँ घर पर, ये देखो सामने। गाइस मैं आ गया हूँ घर पे, डिनर वगैरह करके सब कुछ फ्री हो गया हूँ, और अभी मेरे गले में थोड़ी दर्द हो रही है, स्ट्रेप्सिल्स दिए मैंने डॉक्टर से, तो स्ट्रेप्सिल्स खा रहा हूँ, मतलब कल शायद मैं मान सजाऊँ शायद, तो उसके लिए मुझे जल्दी जल्दी ठीक होना है। तो बस अभी विक्स वगैरह लगवाऊंगा दादी से, तो उसके बाद सो जाऊँगा। जिम में आज मैंने एक ही एक्सरसाइज दिखाई आपको, बट कोई 3-4 एक्सरसाइजेस करी मैंने, तो क्योंकि हाँ गया मैं, तुझे भी ले जाऊँगा किसी दिन। फिलहाल तो पेपर दे अपने मंडे को आ जाते हैं। हाँ तो आज का व्लॉग इतने तक ही था, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग अभी कहीं और सोच रहा हूँ जाने का टूर, मतलब बट हफ्ते डेढ़ हफ्ते तक जा रहे हैं ना कल मानसर, क्या बता वो नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। फिलहाल के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे, गुड नाइट, राधे राधे।